हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। ताली हो जाए और जोर से बजाओ रे। बैठिए प्लीज। हाय कप्पू, कैसे रे? मैं ठीक रे। मेरे जैसा बात मत करना। तेरे जैसा कब करते हैं? तेरे जैसा। बहुत बहुत मुबारक हो रे। किस बात? हमारा शो 50 एपिसोड के ऊपर चला गया। तो इसमें कौन सी बड़ी बात है? तेरे लिए नहीं, मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। बहुत टाइम के बाद 50 एपिसोड के ऊपर देखे लिए मैं। वरना इसी चैनल पे मेरा भी एक शो आता था पहले। मेरा भी शो कोई खराब नहीं था, मीडिया का प्रॉब्लम है सर। अच्छा। हाँ, ये मीडिया वाले शो चालू होता है ना, हाँ। तो सिर्फ एक दो आर्टिकल लिखते हैं, और जब बंद होने वाला होता है तो 14-15 आर्टिकल लिखते। हाय आर्टिकल 15। कैसा लगा सर मेरा क्रिएटिव? बहुत बढ़िया, कमाल। कैसे मैं जोड़ी ना आर्टिकल 15 से इधर आर्टिकल 15 से। बहुत बढ़िया है ना। बोलने में 2 मिनट जाता है, बनाने में 1 महीना जाता है, मालूम है सर? सर महीना कहाँ लगता है, हफ्ते में 2 बार तो आता है शो। अच्छा, सब बता दे इन लोग को ताकि ये लोग भी शो खड़ा कर दे। बोल, बता दे। फिर तू और मैं नाला सुपारा में दुकान खोल के बैठेंगे उधर। हाँ सच्ची में। हाय कैसे? अरे सर कैसे? अरे मनोज पावाई जी ने, अरे सर आपको सनी देओल जी खंड लेके ढूंढ रहे हैं। क्यों? अरे उन्होंने बोला ना, उड़ जा काले कावा, तेरे मुंह विच खंड पावा। तो खंड तो उनके पास है, पावा तो इधर बैठे ले। आयुष्मान कैसे? आपकी पिक्चर आ रही है, बधाई हो। अरे बधाई हो नहीं, आर्टिकल 15। तो मैं येड़ी नहीं, मेरे को मालूम है आर्टिकल 15 के लिए बोल रही है, बधाई हो। अच्छा अच्छा भैया। अच्छा, आई जस्ट वांटेड टू नो वन थिंग। यस। इज ये पिक्चर हिस्टोरिकल पिक्चर है क्या? नहीं सर। क्यों नहीं? मैं पेपर में पढ़ी थी कि इन्होंने तलवार के साथ काम किया है पिक्चर में। अरे ईशा तलवार हीरोइन है उनकी। अच्छा आप तलवार है? जी जी जी। ओ, तो आप शूटिंग के बाद घर पे जाती थी कि मयान में जाती थी? ये बात पहले भी बोल के गया है। हाँ। अच्छा ज्यादा बोल के गया है। हाँ। वो जाड़िया ना मेरा रिहर्सल देखता है, मेरी सारी बातें करके जरा के बोल देता है। बहुत शाना है वो जाड़िया का। मैं उसका रिहर्सल देख के उसके सारे पंच बोलेगी जरा के, तू देखना मेरे। लेकिन सच्ची बोलती है, आपकी जो पिक्चर थी बधाई हो यार, तब मैजिकल पिक्चर थी वो। क्या मैजिक था उसमें? अरे इनके पापा मम्मी को कविता सुनाते हैं और घर में मेहमान आ जाते हैं, इससे बड़ा मैजिक क्या हो सकता है? हाँ तो वो फिल्म थी ना, वो कहानी के हिसाब से वैसा। अरे लेकिन उस वजह से नाला सुपर में कितना प्रॉब्लम है हम लोग को मालूम है क्या? 35-35 साल के लौंडे मम्मी और डैडी के बीच में सोने लगे आजकल। वो लोग को बहुत घबराहट होती है कि कहीं मेरे पापा मम्मी को कविता ना सुना दे। बेचारे इस चक्कर में खुद की गर्लफ्रेंड को कविता नहीं सुना पा रहे, मालूम है? खैर आपको मालूम मेरा जो छावा है ना मुकेश, पता है मैंने उसको गंदे हाथों पकड़ लिया। गंदे हाथों? रंगे हाथों होता है? नहीं नहीं, हमारा डुक्कर वॉशिंग सर्विस है ना उधर, यू नो पिग, ऐसे पिंक कलर के रहते, उनको धोने का काम है हम लोग का, तो वो उसके हाथ गंदे ही रहते हमेशा। अच्छा। मालूम है वो डुकरी जा रही थी, उसको छेड़ रहा था। क्या बोला? वो आयुष्मान का गाना गा रहा था उधर, कितने चल ली ये मोरनी बनके मोरनी बन। मैं पकड़ ली, मैंने बोले क्या कर रहे ला इधर? हाँ, तो कहते नहीं ऐसी बात नहीं है, मेरे को सुअर में तू नजर आती है। ऐसा बोला वो मेरे को। तो मुझे तो कह रहा था तुम में सुअर नजर आता है। अच्छा, एक कप्पू मेरे को बात बता, ये तू टच स्क्रीन फोन जो रहता है फिंगरप्रिंट, वो तू यूज करता है? तो उसमें उंगली करना, मेरे को कहकर उंगली करना। Ha 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 ha!
मेरे को इधर धंधे की बात करने दे अभी, मेरे को बैठने दे। आ जा, बैठ जा। हाँ, अरे क्या कर रहा है? सर मेरा इधर काम है, मैं इधर सपना ब्यूटी पार्लर चलाती है मैं। तो वी हैव ऑल डिफरेंट टाइप ऑफ मसाज। हमारा एक है आर्टिकल मसाज। इसमें इसमें क्या होता है? इसमें क्या रहता है, मेरी दोस्त में आरती है, उसको मैं बुलाती है। अच्छा। आरती आती है और तेल लगा के चली जाती है। फिर तो कस्टमर बोलता है मसाज किधर है, मैं बोलती है आरती कल आएगी। ऐसा रे। आपके लिए भी स्पेशल मसाज है सर, अनुभव मसाज। अच्छा, अनुभव मसाज। इसमें अनु आती होगी और भाव करके चली जाती होगी। ये क्या बकवास है, ऐसा नहीं रहता है। हाँ। उसमें भाव आके अनु की मसाज करता है सर। ऐसा हम लोग का रहता है सर। तो जब भी आना रहेगा सर बताइए हमारे। जी जी मैडम। हेलो कपिल सर। हेलो एवरीवन। मेरा एक रूल है लाइक कि जैसे लेडीज होती हैं उन लोगों के लिए इम्प्लीमेंट करना होता है कि आपको सिंदूर कैरी करना है और मंगलसूत्र आपको वेयर करना है, ऐसा बॉयज के लिए क्यों नहीं है कोई रूल? आदमी की शक्ल से पता चल जाता है। नहीं पता मतलब अभी आयुष्मान सर को देख के कौन कह सकता है कि वो मैरिड है, क्या उनके बच्चे हैं, बताइए आप। नहीं नहीं वन सेकेंड, तो मेरे को देखकर कौन कह सकता है मैं मैरिड हूँ? आपके पति को देख के तो कह सकता ना कोई कि भाई ये बहुत ज्यादा मैरिड है। बहुत ज्यादा मैरिड, 5-6 किलो मैरिड है। आपकी शादी हो गई? नहीं। आपका नाम क्या है? श्रुति। श्रुति, ये कानून क्यों लाना चाहती हैं आप? क्योंकि मेरे साथ ऐसा हुआ है कि जब मैं फेसबुक प्रोफाइल पे देख लिया, मेरे को एक लड़का बहुत अच्छा लगा, मैंने उसे डेटिंग के लिए अप्रोच किया कि चलो बात करती हूँ, इससे बाद में पता चलता है कि उसका बच्चा है, तो मैं कैसे जज कर सकती हूँ ऐसे? उनके लिए भी एक टीका होना चाहिए। बोल रहे उनके लिए भी कोई टीका होना चाहिए। वो टीका अगर उसको धोखा देना है, वो टीका निकाल के रख देगा और तुमको मिलने आ जाएगा। एक्चुअली कितने यहाँ पे आदमी लोग जो सहमत है इनकी बात से कि आदमियों को भी लाल टीका लगना चाहिए? कोई है इधर हाथ खड़ा करे? कोई नहीं है श्रुति। और कितनी औरतें हैं जो उनकी बात से सहमत हैं? सारी सारी सब सारी। देखो ठीक है यार, कर सकते हैं, ऐसी बात नहीं है। आई थिंक इट्स फाइन। आदमी को सिंदूर लगा लेना चाहिए। आदमी को भी सिंदूर नहीं, टीका, वो बहुत क्यूट लगेगा। टीके के कलर पे थोड़ा क्यूट भी लगना है। रेड रेड रेड। अच्छा, क्यूट तो शादीशुदा टीका होगा, क्यूट लगाना है आपको उसको। क्यूट तो लगना चाहिए ना, तभी तो सेलेक्ट करेंगे, ऐसे थोड़ी किसी को। देखो अगर आप टीके के बाद क्यूट आपको लग रहा है फिर तो आपको फर्क नहीं पड़ता एक्चुअली। बिना टीके आप एक काम करो, पूरे भारत में जो आपको पसंद है उसको लेके आप चले जाओ, पता क्यों बाकियों के लिए प्रॉब्लम खड़ी हो जाएगी। लेकिन जाऊं कहां, ये भी तो प्रॉब्लम है। कहीं भूटान, नेपाल, श्रीलंका, कहीं कहीं, पता क्यों आप इधर रहेंगे, आप बाकियों को भी खराब करेंगे। नहीं नहीं मजाक कर रहा हूँ, पर अच्छा था आपका आइडिया वैसे। चलिए हम ऊपर वाले से दुआ करते हैं आपको कोई फ्रेश पीस ही मिले आपको। धन्यवाद आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। और कोई हमारे दोस्त अपने विचार रखने चाहते हो? जी 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 आइए। हेलो कपिल सर। हेलो एवरीवन। हेलो, इधर जल्दी हेलो, कहीं जाना है? आराम से बोलिए जी। सर मेरा नाम शुभम सिंह है। शुभम सिंह? शुभम सिंह, शुभम, शुभम। अच्छा, मैं कहा चुभन सिंह क्या नाम हुआ। जी शुभम, कहाँ से आए शुभम? मुंबई से ही हूँ सर, अंधेरी। अंधेरी से आए? अच्छा जी सर, अभी भी अंधेरा है, ठीक हो गया। अच्छा आज फिर शुभम क्या कहना चाहते हैं सर? मेरा एक ये है कि एक ऐसा कानून बनना चाहिए जो लड़कियाँ जो फेसबुक और इंस्टाग्राम पे अपनी ओरिजिनल फोटो नहीं डालती है। हाँ जी मैडम, तो ध्यान दीजिएगा जरा श्रुति जी। सही बात है, ये देख सकते हैं। ये तो गलत बात सर, मेरे साथ ऐसा हो चुका है मेरे। ओ, मैं तब तुम्हें क्या बताऊं। ये सबके साथ हुआ है। बड़ा सही पॉइंट पकड़ा। अच्छा, एक बार मैंने बहुत अच्छी सी एक लड़की ने इतनी अच्छी फोटो लगाई थी, दीपिका पादुकोण से भी अच्छी। हाँ ये ना, ये एंजल प्रिया के नाम से है ये, ऐसी बहुत सारी मिलेंगी, एंजल प्रिया, स्वीटू क्यारा, ऐसी बड़ी बड़ी हैं लड़कियां। देखो कितनी रिसर्च की है इस पर, इसको देखो। पहली पहली की बात अभी। तो सर मैं यही चाहता हूँ कि बस ऐसा कानून बन जाए कि लड़कियां अपनी ओरिजिनल फोटो लगाएं, ना कि दूसरे हीरोइन। देश में 70% फेसबुक अकाउंट तो वैसे ही बंद हो जाएंगे। ओरिजिनल फोटो है। हाँ बड़ी अच्छी बात है, बिल्कुल। आपके साथ क्या हुआ शुभम ऐसा? वही सर बताया अभी मैंने, जो मिलने गया था तो फिर आगे क्या, लड़की निकली नहीं, लड़की भी नहीं निकली, मतलब जो लड़की वो निकली।
लड़की वो निकली सर, लेकिन वैसे नहीं थी जैसा उसने बहुत अच्छी सी फोटो लगाई थी। तो फिर आपने कुछ बोला उनको? मैंने कुछ नहीं बोला, बस मुड़ के चला निकल गया देख के। थैंक यू, शुक्रिया, थैंक यू। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।